राम राम भाइयों, अगर आपका 7 लाख का बजट और आपको मिनी सेडान टाइप की गाड़ी चाहिए, अल्ट्रोज की कंपटीशन गाड़ी आती है बलेनो i20 और फिर आती है अल्ट्रोज। लेकिन आप अल्ट्रोज क्यों ले, इसके 5 रीजन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप अगर बात करें इंजन की, तो इसके अंदर 1.2 लीटर का इंजन मिलता है और लगभग 81 bhp की हॉर्स पावर है और 113 Nm का टॉर्क है, जो कि इसके कंपटीशन की गाड़ियों में सब कुछ नॉर्मल है, इतना ही कुछ आपको देखने को मिलता है। लेकिन इसमें एक कमी आपको, इसके अंदर 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, i20 और बलेनो के अंदर आपको 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है। और बात करें इसके एक सबसे मेन रीजन टाटा का नाम है, तो सेफ्टी इसके साथ है, तो ये फर्स्ट कार 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ में गाड़ी है। इसके अंदर आपको 2 एयरबैग मिलते हैं, लेकिन i20 के अंदर आपको 6 एयरबैग देखने को मिलते हैं बेस वेरिएंट से ही। और ये इसका बेस वेरिएंट तो नहीं है, लेकिन आपको बेस वेरिएंट के फीचर बताएंगे जो 7 लाख के अंदर आपको मिल जाता है। माइलेज वगैरह की बात करें तो लगभग 20 किलोमीटर के आसपास की माइलेज वगैरह निकल आएगी। लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको ड्राइव मोड भी देखने को मिल जाता है, जो कि इसकी कंपटीशन वाली गाड़ियों में आपको देखने को नहीं मिलता। और इस गाड़ी के अंदर आपको स्टेयरिंग वो टिल्ट देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं। अगर बात करें इसके सेंटर कंसोल की, तो यहाँ पर आपको सिंपल ऐसा मिलेगा, लेकिन उसके बेस वेरिएंट के अंदर आपको कोई भी टच स्क्रीन वगैरह म्यूजिक सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको सिंपल एसी देखने को मिल जाता है, लेकिन बलेनो के अंदर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलता है। और अगर आप अल्ट्रोज सीएनजी में बाय करो, तो उसके अंदर आपको एक जो एक्स्ट्रा पॉइंट बेनिफिट आपको क्या मिलेगा कि इस सीएनजी के अंदर आपको यहाँ पे जो सिलेंडर की जो एडजस्टमेंट है ना, वो स्विम ऐसी दे रखी है जिसके अंदर आपको बूट स्पेस भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन बलेनो वगैरह में आपको ये कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और सीएनजी में इसके अंदर बूट स्पेस मिल जाएगा, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। एक फैमिली कार ले रहे हैं और उसके अंदर आपको अगर बूट स्पेस ना हो तो क्या होगा,